सो हे गाइज, गुड मॉर्निंग, दिस इज हिमालयन सैफ्रॉन, वेलकम टू आर अनदर ब्लॉग। सो गाइज, काफ़ी टाइम से हम लोग रेगुलर नहीं हो पा रहे थे ब्लॉगिंग में, जो हमारे घर पे कुछ काम चल रहा था तो जिस कारण मैं बिजी था। सो गाइज, हम लोग कल से प्रॉपर ब्लॉगिंग करने वाले हैं, और जो हमारे चैनल पर नए हैं उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें गाइज, और आज के दिन जो जो चीज़ें हम करने वाले हैं आपके साथ शेयर करूँगा तो ब्लॉग में। सो गाइज, पहुँच गया हूँ मैं नीचे, और ये देखो, ये है रैबिट्स का ब्रेकफास्ट, क्रश किया हुआ गाजर, क्योंकि अभी वो बच्चे हैं तो उनको पूरे गाजर वो खा नहीं पाते, इसलिए मैंने इनको क्रश कर दिया है। अभी देखना वो कितने जल्दी खाते हैं इसको। आज मैं इनको खोलने में थोड़ा लेट हो गया क्योंकि अरे बच्चे भी आए गांव के, और हमने मुर्गियां भी खोली थी काफ़ी देर तक, और चीज़ें भी देखनी थी, तो इनको खोलने में थोड़ा लेट हो गया। बट कोई नहीं, इनको मैंने डिनर में भरपूर दिया था तो अभी ज़्यादा परेशान होंगे नहीं। चलो इनको खिलाते हैं खाना। सकते हैं आप, साइड साइड में बैठे हुए हैं लोग। इनका खाना मैंने यहाँ पे रख दिया है, सुबह का इन्होंने पूरा खा लिया, अभी दिन का यहाँ पे रख दिया है मैंने। अब देखते हैं पूरे दिन भर इनका क्या क्या रहता है। गाइस, वैसे तो मैंने नॉर्मली ये शुरुआत कर रखी है क्योंकि ऊपर मैं पाल नहीं सकता इन्हें, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे निर्मला है और लोग हैं तो डिस्टर्ब हो जा रहा है काफ़ी, तो शुरुआत मैंने इस रूम से कर रखी है इनके लिए, क्योंकि सबसे बेटर मुझे यही लगा क्योंकि इनको थोड़ा स्पेस चाहिए और यहाँ पे स्पेस की कोई कमी है नहीं, इतनी स्पेस फुल है यहाँ। और अभी मेरे पास 4 कमरे और पड़े हैं, अब धीरे धीरे उन पर ला के मैं जानवर शिफ्ट करता रहूँगा। ब्लॉग में आप लोग बने रहे। और गाइज, मेरे पास अभी तो उतना एक्सपीरियंस है नहीं कि इससे पहले मैंने एक काम किया है, तो मैं नया नया हूँ, अभी इनके बारे में सीख रहा हूँ। अभी अभी मैं पहले ही अगर जानवर ला के रख देता तो मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, उन सबकी फीटिंग है, सारी चीज़ें हैं, देखना पड़ता है उनका, काफ़ी टाइम लग जाता है, अभी मैं सीख रहा हूँ। और गाइज, आप लोगों से एक बात और कि अगर आप लोगों के पास जानवर हों और आप उनकी केयर नहीं कर पा रहे हो, या आपके पास एक्स्ट्रा हों, अगर किसी को बेचना हो, तो आप लोग गाइज मुझे DM कर सकते हैं, या व्हाट्सअप पे, या मेरे इंस्टा हैंडल पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं वहाँ से ला के उनको यहाँ उनकी केयरिंग करूँगा और सारी चीज़ें। फिर बाद में कभी आपको इसी ज़रूरत हो तो आप ले जा सकते हैं। तो गाइज, ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, प्यार करें। इसको समथिंग 80 साल होने को जा रहे हैं, 80 साल हो जाएंगे इसको। यहाँ पे हमारे पास सारी चीज़ें अवेलेबल हैं फ़िलहाल, टॉयलेट है, बाथरूम है, और यहाँ पे भी हमारी ज़मीन है ये वाली। कुछ टाइम में मैं इसको पूरा साफ़ कर लूँगा। और जो आप देख रहे हैं ऊपर, यहाँ पे रखा है हमने अपने रैबिट्स को। ऊपर हमारे पास 2 कमरे हैं, नीचे हमारे पास 2 कमरे हैं, आगे बरामदा है। अभी फ़िलहाल पूरी सफाई नहीं की है गाइज मैंने, क्योंकि अकेला हूँ तो इतना कुछ हो नहीं पा रहा है, तो धीरे धीरे मैं सारी चीज़ें करके आपको ज़रूर दिखाऊंगा। बस अभी रैबिट का थोड़ा पता चल जाएगी इनकी कैसी कैसी क्या क्या चीज़ें होती हैं, सो उसके बाद हम और अपने जो है एनिमल ऐड करेंगे, तब तक इनसे ही काम चलाएंगे। और देख सकते हैं, अभी आपको दिखाता हूँ, देख सकते हैं इसमें हम लोग बुआई भी करते हैं थोड़ी चीज़ें। अभी ये इसमें मूली लगा रखी है, वहाँ पर प्याज है, वहाँ पर मिर्च है, और ये सारी चीज़ें।
कई फोटो राख्या छो मोबाइल को वॉलपेपर मा मेरी माया तिम्रै फोटो राख्या छो।